चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी सेक्शन के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो सेशन में डिस्कस किया जाएगा। विभिन्न जो प्रीवियस ईयर के सीटेट पेपर्स हैं उनसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, 2011, 12, 13 इस तरह से जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। चूंकि देखिए 7 जुलाई अब बेहद ही नजदीक है, तो ऐसे में कुछ ऐसे कंटेंट्स को पढ़ा जाए जो परीक्षा उपयोगी हों और लाभप्रद रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए उसके अंदर पेशेंस हो और दृढ़ता हो, यानी कि धैर्य और दृढ़ता, ये दोनों चीज सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? देखिए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ये शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का पोषण करता है। एक न्यूट्रिशन का काम करता है, अगर उसकी जो इंटरनल कैपेबिलिटीज हैं उनको आप पहचानें, जांचें, परखें, समझें और प्रश्न पूछने के अवसर उपलब्ध कराएं। देखिए सीटेट में सबसे बड़ी बात होती है चाइल्ड सेंटर्ड ही आप आंसर को सबसे अप्रोप्रिएट माने, बच्चे को आपको 100% सही मानकर चलना है। बच्चा कहीं भी किसी भी प्रकार से गलत नहीं हो सकता है, बच्चा सही है, अपने आप में वो परिपूर्ण है, ज्ञान से भरा हुआ है, बस ज्ञान को हमें उसके अंदर से निकालना है। तो ऐसी भावना लेकर के सीटेट के प्रश्न पत्र को आप हल करिए, 100% जो है आपको सफलता मिलेगी, आप पास हो जाएंगे गारंटी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। 100-100, 120-120 नंबर भी आते हैं। तो चलिए तीसरे प्रश्न को लेते हैं, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो बच्चों में रुचि बने रहे इसके लिए बच्चों को स्वयं गतिविधि करने देंगे। देखिए उनको खुद आप कुछ ना कुछ गतिविधि एक्टिविटी करने दीजिए, खुद इन्वॉल्व हों बच्चे, तब जाके वो किसी चीज को सीख पाएंगे। देखिए यहां पर क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग का कांसेप्ट होता है, करके सीखना, यानी कि जितना ज्यादा बच्चे अपने आप को शैक्षणिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रखेंगे उतना ज्यादा ही वो सीख पाएंगे। इस वजह से ऐसी गतिविधियां लाई जाएं जिससे बच्चे इंगेज्ड रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ लेते हैं कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना, प्रतिद्वंदिता की भावना, तटस्थता की भावना, सहयोग की भावना। देखिए एक अच्छा अध्यापक का गुण ये है कि सहयोग की भावना को वो विकसित करें। कंपटीशन की भावना भी यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा एक दूसरे की कोऑपरेटिव जो भावना है उसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि सहयोगात्मक भावना से ही बच्चे सीख पाते हैं। अब ये है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है कि वो संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। मानसिक मेंटली टीचर को बहुत ही स्वस्थ होने की आवश्यकता है। जब क्लासरूम में जब जाए टीचर पढ़ाने तो वो अपनी निजी जिंदगी की चीजों को बच्चों के ऊपर थोपने की कोशिश ना करें, एक स्वच्छ और साफ सुथरे मानसिक रूप से ही प्रवेश करें कक्षा में और तभी पढ़ाए। तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होना चाहिए, यह नहीं कि आप फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकाल रहे हैं, घर की कोई फ्रस्ट्रेशन है तो आप बच्चों पर निकालें, कदाचित ये उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ लेते हैं कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि बच्चे का चहुमुखी विकास करना, उसका शारीरिक विकास भी है, भावनात्मक विकास भी है, कौशलात्मक विकास भी है, ज्ञानात्मक विकास भी है, हर एक प्रकार के विकास को करिए, यही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। देखिए यहां पर इस दुनिया में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, सब इम्परफेक्ट हैं, परफेक्शन की ओर बढ़ा जा सकता है। तो अगर कोई विद्यार्थी ने आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया और आप अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए आप प्रॉपर टाइम ले सकते हैं, कुछ समय के बाद
अभ्यर्थी को बता सकते हैं, विद्यार्थी को बता सकते हैं, उसमें इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन हैं कि शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, शिक्षक को करना चाहिए कि मैं नहीं जानता, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट फोर्थ होगा। अब ये है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। देखिए सबसे बड़ी बात है क्यूरियोसिटी जब आए बच्चे के अंदर तो वहीं पर उसका समाधान हो, ये नहीं कि जिज्ञासा जानने की इच्छा है कि हाथी के कितने दांत होते हैं या कितने कान होते हैं तो आप घोड़े का बताने लगे और फिर इसके बाद दो दिन बाद बताएं कि हाथी कितने दांत होते हैं तो उसकी जिज्ञासा मर जाएगी। तो कुल मिलाकर जिज्ञासा शांत तभी करनी चाहिए जब जिज्ञासा तत्काल रूप से आए, तो उसी टाइम पे इमीडिएट आंसर देना चाहिए उसका। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए मदर टंग का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 आ रही है उसमें भी मदर टंग को बढ़ावा देने की बात है, मदर टंग को भी एज इफ एज एक लैंग्वेज एक्सेप्ट करने की बात कही गई है करिकुलम एक्टिविटीज में। तो बच्चे को मदर टंग की सहायता से आप अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। दसवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। सबसे बेहतर होगा कि जो स्वयं के द्वारा वो करे उससे अनुभव अर्जित करे, वही प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए सबसे बेहतर है। जैसे आपको ठंडे गर्म का एहसास कराना है तो बच्चे को बर्फ का टुकड़ा दीजिए, उसको छुए, उसकी ठंडी का एहसास करे। गर्मी का एहसास कराना है तो उसको धूप में खड़ा कर दें और उसके बाद गर्मी का एहसास कराएं। तो कुल मिला के अनुभव के द्वारा वो स्वयं करके सीखे, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। फिर है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है क्या है कि शिक्षार्थियों के अनुभव एवं प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं एवं सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो यह सक्रिय भागीदारिता, इसको कहते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन पर आधारित है, सबसे बेस्ट अप्रोच है शिक्षिका के द्वारा अपनाया जा रहा है। प्रश्नों का जवाब स्वयं से नहीं देती है, ग्रुप्स में बांट देती है और फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कराती है। फिर 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य यह है कि व्यवस्था फेल हुई है। जी हाँ, अगर बच्चा फेल हुआ है तो आपका पूरा करिकुलम सिस्टम फेल हुआ है, टीचर फेल हुए हैं, पाठ्यक्रम फेल हुआ है, उसका जो अरेंजमेंट है विद्यालय का वो फेल हुआ है, बच्चा फेल नहीं हुआ। हमने कहा कि बच्चे को आप चाणक्य मानकर चलेंगे, बच्चा कभी गलत हो ही नहीं सकता है, तभी आप सीटेट के क्वेश्चंस को हूबहू सही कर पाएंगे। 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की कौन सी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो, यह प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। देखिए 15वां क्वेश्चन है कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो वह तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रहना चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा नहीं लेना चाहिए, बच्चा निर्योग्य है पहली बार विद्यालय आया है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग भी नहीं करना चाहिए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। दोनों थोड़ा सा एक दूसरे से सटीक हैं लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें लास्ट वाला होगा कि बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। अब नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। 17वां प्रश्न है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था
असफल है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न करती है, राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर भूमिकाओं में रूढ़बद्धता को बढ़ावा दे रही है। जी हाँ, यहाँ पर जेंडर बायस्ड इन नेचर का थोड़ा सा एक क्वेश्चन हर बार बनता है सीटेट में। जेंडर यानी कि रूढ़बद्धता के आधार पर कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं टीचर्स, कुछ हो, ऐसे होते हैं कि जैसे फीमेल टीचर होगा तो मेल बच्चों को ज़्यादा ध्यान देता है और अगर मेल टीचर है तो फीमेल चाइल्ड्स को वो ज्यादा प्रेफरेंस देता है। देखिए उसमें राधिका से उसने प्रश्न किया, उत्तर नहीं मिला, तुरंत उसने मोहन से प्रश्न पूछ लिया। अब मोहन जब प्रश्नों में संघर्ष कर रहा तो उसने प्रश्न के जो शब्द हैं उनको बदला, यानी कि उसे कुछ सुगमता उपलब्ध करा रही है, तो ये रूढ़बद्धता को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। ये है कि शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, इंटरेस्टिंग हो और बिहेवियरल इन नेचर हो जो शिक्षण, तो यही सबसे प्रभावशाली उपाय माना जाता है। फिर है शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, यानी कि रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, रटंत विद्या को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। फिर है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा। फिर है 22वां प्रश्न कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्रायः किसकी ओर संकेत करती है, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में क्या लाभकारी नहीं है, खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। देखिए खोज और सक्रिय अधिगम जो एक्टिव लर्निंग है अगर उसकी कमी है तो ये लाभकारी नहीं होगा। 24वां प्रश्न है, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे चूंकि वीडियो सेशन थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। फिर है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन में किस विचारक द्वारा सबसे पहले विचार दिया गया, तो जॉन डीवी द्वारा। फिर है कि एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को एप्रोप्रिएट आंसर है इस तथ्य को अनदेखा कर देना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। फिर है अंतपरक अनुदेशन है, अंतपरक अनुदेशन की डिफिनीशन यहां से आपको मिल जाएगी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। फिर है यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को अनुदेशन कार्य समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। फिर है किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, इसके अतिरिक्त और तथ्य सभी सामाजिकता की ओर इंगित करते हैं। फिर है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है कि विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय सहभागिता का निर्वाह करेंगे और सामाजिक कौशल सीखेंगे। फिर है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है ये बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। हमने बार बार कहा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का अगर कोई विकल्प है तो उसे ही आप ऑप्ट करिएगा। सीटेट 2012 का क्वेश्चन है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। फिर है 33 नंबर का क्वेश्चन कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर है किस पर, बच्चे के निष्पादन का स्तर। फिर है निम्नलिखित कथनों में से किसमें से आप सहमत हैं, इसमें से सहमत हैं कि एक बच्चे को की असफल व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। फिर है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। फिर है प्रगतिवादी शिक्षा क्या है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है, बाल केंद्रित कक्षा की एक विशेषता है कि उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। 38वां क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे
कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम प्रवेश परिवेश का सृजन करने के नीचे करने के लिए नीचे दिए गए कदमों में से कौन सा सही नहीं है कि अध्यापक के अनुसार कार्य करना। अध्यापक के अनुसार तो आप कार्य करेंगे ही नहीं, बच्चों के अनुसार कार्य करेंगे। बच्चे ही सर्वोपरि हैं, बच्चों के अनुसार ही हर एक चीज को किया जाएगा। फिर है 39वां प्रश्न, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो सेशन का, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां एक कारण इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं कि यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो कुल मिला के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज सीटेट 2019 की प्रिपरेशन के संबंध में डिस्कस किए गए हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के कंटेंट्स को पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।